नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका भाई चंदन कुमार, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ CRX के बारे में, CRX डाउनलोड कैसे करना है और इसे यूज कैसे करना है। आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर या टीचर्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाते हैं ऑन स्क्रीन, तो जो मैं भी बता रहा हूँ ये भी देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है सर, ये CRX। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसे डाउनलोड किया है, सिर्फ आपको CRX डालना है। सबसे पहला ऑप्शन आएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे इस ऐप को, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, कौन सा वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद इसका एक सेटअप फाइल आएगा, exe फाइल, जिसे आपको रन करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं CRX का ये फाइल है, इसे डाउनलोड होने के बाद इसे रन करना है, उसके बाद आप CRX यूज कर पाएंगे। देखिए अभी मैं CRX एप्लीकेशन के थ्रू ही ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद आपको CRX ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन क्लिक करना है। जैसे शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन एक साथ क्लिक करना है, प्रेस करना है, तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर आपको लगता है कि आपका रिकॉर्डिंग आपने कर लिया है, फिर इसको स्टॉप करने के लिए आप अपना शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन एक बार दबाएँ, एक साथ दबाएँ, तो आपका जो भी रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपको टास्क सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, ये देखिए ये टास्क सेटिंग, यहाँ पे जाना है आपको। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डर आ रहा है, यहाँ पर जाइए। स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करते ही करना है। फिर यहाँ पे देखिए आपका वीडियो सोर्स दिख रहा है, यहाँ पे GDI होना चाहिए और इधर माइक्रोफोन, ये दोनों ऑप्शन आप ध्यान से चेक करके, क्योंकि मोस्टली ये सभी एप्लीकेशन में विजिबल नहीं रहते हैं, तो आपको डालना पड़ेगा, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा ये दो ऑप्शन, नहीं तो हो सकता है आपकी ऑडियो भी नहीं आएगी, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप ऑडियो इशू भी फेस करते हैं तो आप इसे यूज कीजिए, ये दो जो ऑप्शन देख रहे हैं ऑडियो सोर्स में और वीडियो सोर्स में, GDI होना चाहिए वीडियो सोर्स में, ऑडियो सोर्स में माइक्रोफोन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब ये मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब देखिए शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन एक बार दबाना है स्टॉप करने, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, धन्यवाद। फिर से मैं आपसे मिलूंगा एक नए ट्रिक्स के साथ। देखिए दोस्तों, अभी मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग।